ये बहुत ही टेस्टी मूंग की सब्जी बन के तैयार है। इसको जरूर बनाइए, मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेस्टी सब्जी बनाएंगे। ये मूंग है फुलाया हुआ अच्छी तरह से, और एक बर्तन में पानी को उबलने के लिए रख दीजिए। और अब इसको पीसेंगे। यह है 2 हरी मिर्च और 5-6 लहसुन। थोड़ा सा नमक, और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसको पीस लीजिए। अब इसको निकाल लीजिए। यह है 2 प्याज, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च। इसको भी चला लीजिए, पीस लीजिए इसको। अब इसको रखिए साइड में, और एक ये जाली वाला बर्तन ले लीजिए और इसमें हल्का सा रिफाइंड लगाएंगे। इस तरह से इसमें अच्छा से लगा लीजिए तेल। और इसमें इस तरह से छोटा छोटा बड़ी डालिए। अब इसको ढक के पकने दीजिए। अब 10 मिनट हो गया है, इसको हटा के रखिए साइड में। अब इसमें डालेंगे सरसों तेल। बचा हुआ इसको तेल में फ्राई करेंगे। इस तरह से ये मूंग की पकौड़ी बन के तैयार है। इसको निकाल लीजिए।
इसमें तेल है थोड़ा सा ज्यादा, तो इसको निकाल लेंगे। यह है एक तेज पत्ता, यह है थोड़ा सा पचफोरन, अब इसमें डालिए ये पिसा हुआ मसाला, और यह है मिक्स सब्जी मसाला, इसको भी डालिए। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है थोड़ा सा कसूरी मेथी, और ये हरा धनिया। मसाला को अब अच्छे से फ्राई कीजिए, इसमें डालेंगे नमक, और नमक डालेंगे ध्यान से क्योंकि मूंग में भी नमक दिया हुआ है। अब ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें डालिए पानी। अब इसको ढक के उबलने देंगे। और ये है बॉयल वाला, इस तरह से इसको निकाल लीजिएगा, ये निकल जाएगा। इस तरह से इसको निकाल लेंगे तो ये सब निकल जाएगा। ये दो तरह का मूंग का बड़ी बनके तैयार है, ये फ्राई वाला और ये बॉयल वाला। अब पानी में उबाल आ गया है, डालेंगे इसमें।
अब इसको ढक के 5 मिनट तक पकने दीजिए। अब ये मूंग की सब्जी बनके तैयार है। फ्लेम को कर लीजिए ऑफ।